हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे आठवीं क्लास की हिंदी की किताब दूर्वा का 12वां चैप्टर आ साल का पहला दिन। ये कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, और इस कविता में उन्होंने मानसून के शुरू होने पर जो किसान है उसकी खुशी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्रार से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीरकर सबको खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हल्दर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मानसून के शुरू होने पर जो किसान है उसकी खुशी देखते ही बनती है। किसान बहुत अधिक खुश होता है मानसून के आने पर, क्योंकि क्यों खुश होता है वो, क्योंकि जब मानसून आता है तो बारिश होती है। बारिश होती है तो क्या होता है, उसके खेत जो है वो बहुत अधिक अच्छे हो जाते हैं, उसकी जो फसलें हैं वो अच्छी हो जाती हैं। अगर बारिश नहीं होती तो उसकी फसल सूख जाती है, तो उसकी जो सारे साल की मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। इसलिए जो किसान है बहुत अधिक खुश होता है मानसून के शुरू होने पर। तो जो आषाढ़ होता है वो हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है। तो आषाढ़ है जैसे कि चैत, वैशाख, जेठ, वैसे ही आषाढ़ होता है। ये हिंदी कैलेंडर का एक महीना है, जैसे कि जनवरी फरवरी होते हैं वैसे ही हिंदी कैलेंडर के भी ये महीनों के नाम हैं। और इस महीने के आसपास क्या होता है, मानसून की शुरुआत होती है, बारिश शुरू होती है आना। तो जब मानसून आता है तो क्या होता है, हवा का जोर, हवा बहुत तेज़ी से बहने लगती है, तेज़ तेज़ चलती है, और वर्षा की झड़ी, और वर्षा जो है वो आने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, मतलब बहुत अधिक बारिश होती है। झाड़ों का गिर पड़ना, और जो झाड़ झंखार होते हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो हवा से क्या होता है, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। और बादल हैं वो ऐसे गरजते हैं जैसे कि वो हमारे सिर के ऊपर गरज रहे हो, मतलब जो बादल हैं वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में गरजते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमारे सिर के ऊपर ही आ गए हों, हमारे सिर के ऊपर ही गरज रहे हों। और नदियां हैं वो अपने उफान पर होती हैं, मतलब नदियों में बहुत अधिक पानी हो जाता है, इतना अधिक पानी होता है कि कभी कभी तो वो क्या करता है, पानी खेत के जो कलेजा है, छाती है, मतलब जो खेत है उसके अंदर तक पानी आ जाता है। चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे कि ध्वजा, ध्वजा माने झंडा, जैसे कि जो झंडे होते हैं वो लहराते हों। तो चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे ध्वजाएं लहराती हों। तो क्या कहा है यहाँ तक कवि ने, कि मानसून के शुरू होने पर जो किसान है उसकी खुशी देखते ही बनती है, वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो आषाढ़ है वो हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है। तो इस महीने के आसपास मानसून की शुरुआत होती है, जब मानसून आता है तो बारिश होती है बहुत तेज, और जो हवा है वो चलने लगती है, जिससे जो झाड़ झंखार होते हैं वो गिर जाते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, बादल ऐसे गरजते हैं जैसे आपके सिर के ऊपर ही गर्जना कर रहे हों, गरज रहे हों। नदियां अपने उफान पर होती हैं, कभी कभी तो वे खेत के कलेजे तक चढ़ जाती हैं, मतलब जो नदियां हैं उनका पानी खेतों में आ जाता है। चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे ध्वजाएँ लहराती हों। तो एक व्यक्ति जिसे वर्षा के ये अनूठे दृश्य हैं, जो अनोखे दृश्य हैं, प्राणों से भी प्यारे लगते हैं, वो कौन है, किसान। तो जो किसान है उसको ये दृश्य बहुत अधिक अच्छे लगते हैं। तो किसान किसी चातक की तरह टकटकी लगाए बादलों का इंतजार करता है। तो जो चातक पक्षी होता है वो भी बादलों का इंतजार करता है कि कब बारिश हो और वो कब पानी पिए। तो जो चातक पक्षी है वो कब पानी पीता है, जब पहली बारिश की पहली बूंद उसके मुंह में गिरती है, बस वही पानी पीता है, उसके बाद वो पूरे साल पानी नहीं पीता। अगर आप उसको नदी में भी डाल देंगे ना तो वो अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि उसका पानी उसके मुंह में ना चला जाए। तो जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उसका जो पहली बूंद होती है खाली वही पीता है, ये चातक पक्षी। इसलिए वो क्या करता है, टकटकी लगाकर बादलों का इंतजार करता है फिर पूरे साल। तो जो किसान है वो भी जो चातक पक्षी है उसकी तरह टकटकी लगाए बादलों का इंतजार करता है,
ताकि बारिश हो और उसके जो खेत हैं उसकी जो फसल है वो अच्छी हो और उसकी जो मेहनत है वो बेकार ना चली जाए। तो जो किसान है वो खुद भूखा रहकर भी जो खेत है उसमें बहुत अधिक मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। तो उसकी मेहनत के बदौलत क्या होता है, खेतों से अनाज निकलता है और दुनिया के लोगों को भोजन मिलता है। तो जो भूखा रहकर धरती चीर कर सबको खिलाता है, तो जो ये किसान है वो क्या करता है, खुद तो भूखा रहता है लेकिन इतनी अधिक मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है और पूरी दुनिया को इससे भोजन मिलता है। और अगर अधिक बारिश नहीं आती, यदि बारिश समय पर नहीं आती तो किसान को क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, वो तिलमिला जाता है, बहुत अधिक बेचैन हो जाता है। तो कभी क्या कहते हैं, कवि ने लिखा है कि अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हल्दर अधिक आता है कालिदास से मन में तो मुझको क्षमा कर देना। तो कभी क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो ये आषाढ़ का पहला दिवस है, पहली बारिश है, तो इस टाइम पर अगर आपके मन में बादल देखने के बाद कालिदास के बजाय किसान की तस्वीर आपके मन में आती है तो उस समय बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप क्या करें, कालिदास से क्षमा मांग लें। तो यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कालिदास जी ने क्या किया था, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना थी मेघदूत, और इसमें उन्होंने जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो क्या करते थे, जब बारिश होती थी, जब बादल आते थे तो बादलों के द्वारा वो अपना संदेश भेजते थे एक दूसरे के पास। तो ये जो उनकी रचना थी मेघदूत वो काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो जब बादल आते हैं तो सभी को कालिदास की ये रचना है वो ध्यान आ जाती है कि उन्होंने ये रचना की थी जिसमें जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो बादलों के द्वारा अपना संदेश भेजते हैं एक दूसरे के पास। तो दोनों को हमेशा क्या होता था, बादलों के आने का इंतज़ार रहता था। तो इस जो रचना है मेघदूत, इसमें जो बादल हैं उनका हमेशा इंतज़ार रहता है प्रेमी प्रेमिका को। तो इस रचना की प्रसिद्धि के कारण जो साहित्य में मेघों की चर्चा है उसकी चर्चा होने पर क्या होता है, जो कालिदास है उनका ध्यान आ ही जाता है। लेकिन अगर आपके मन में कालिदास का ध्यान नहीं आया इन बादलों को देखकर, तो क्या करना चाहिए आपको, जो कालिदास है उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो अगर आपके मन में कालिदास का ध्यान ना आकर किसान का ध्यान आया है, किसान की छवि है आपके मन में उभरी है इन बादलों को देखकर कि किसान कितना खुश हो रहा होगा, कितना अधिक प्रसन्न होगा, उसको लग रहा होगा कि उसकी फसल अच्छी होगी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, कालिदास ध्यान नहीं आते, तो आप क्या करें, उनसे क्षमा मांग लें। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है वो ख़त्म हो गई और यहाँ पर यही बताया है कवि ने कि मानसून के शुरू होने पर किसान जो है बहुत अधिक प्रसन्न होता है और जो बारिश होती है वो होने लगती है और जो बारिश होती है, जो हवाएं चलती हैं उससे क्या होता है, जो झाड़ियाँ हैं वो गिर जाती हैं और जो बादल हैं वो इतनी तेज़ गरजते हैं ऐसा लगता है कि हमारे सिर के ऊपर ही गरज रहे हों, और जो नदियाँ हैं वो भी पूरे उफान पर होती हैं, उनमें बहुत अधिक पानी होता है और वो पानी क्या करता है, कभी कभी खेतों में भी आ जाता है, और जो बिजली होती है वो ऐसे चमकती है जैसे कि जो झंडे हैं, ध्वजाएं हैं, वो लहरा रही हों, लहराती हों, और ये जो अनोखे दृश्य हैं, अनूठे दृश्य हैं, इन दृश्यों को देखकर क्या होता है, जो किसान होता है वो बहुत अधिक खुश होता है, ये दृश्य उसको प्राण से भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये दृश्य कैसे होते हैं कि उसको उम्मीद होती है कि बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो क्या होगा, उसका घरबार चलेगा, उसको भोजन मिलेगा, सबको वो क्या करेगा, अनाज देगा, क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की होती है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, उसका खेत सूख जाएगा, फसल बेकार हो जाएगी। तो वो क्या करता है, एक चातक पक्षी की तरह ये जो घने काले बादल होते हैं, कजरारे माने काले, तो जो ये घने काले बादल होते हैं उनको ताकता रहता है, जैसे चातक पक्षी ताकता है बादलों को कि बारिश हो कब वो पानी पिए, उसी तरह जो किसान है वो भी इन घने काले बादलों का इंतज़ार करता है कि कब बादल आए, कब बारिश हो और कब उसकी फसल अच्छी हो। तो जो किसान है वो भूखा रहकर भी क्या करता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, सबके लिए अन्न उगाता है, सबको भोजन कराता है, मतलब उसका जो अनाज होता है, उसकी जो फसल होती है, उससे अनाज पैदा होता है, जो उससे सबको भोजन मिलता है। तो अगर ये वक्त पर पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती, तो जो किसान है बहुत अधिक
तिलमिला उठता है, बेचैन हो जाता है। तो कभी कहते हैं कि जो साल का पहला दिन है, इस पहले क्षण में, इस पहले पल पर क्या हो, जो बारिश हुई है, जो मानसून आया है, साल का पहला दिन है, उसमें क्या है, जो बारिश हुई है उसमें अगर आपको जो कालिदास है उनका ध्यान नहीं आता, आपको हल्दर अधिक ध्यान आता है, आपको किसान अधिक याद आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो कालिदास है उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।